दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली बस एक दो दिन में आने वाली। तो आज मैं आपको देखिए दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप कैसे कार्ड में पलटी और अपना जादू दिखा सकते हैं, कैसे आप पलक झपकते पत्ती को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखा दूँ, फिर डेमो के बाद आपको मैं इस पर ले चलता हूँ इसके ट्यूटोरियल पर। ठीक है, देखिए यहाँ से पत्ती कैसे गायब होती है, बस तुरंत यहाँ किया तो देखिए यहाँ से मैं कार्ड को देखिए कैसे गायब करता हूँ। सीधा कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ से कार्ड को ऐसे खिसका दिया। ठीक है, अभी मैं देखिए आपके सामने मैं कार्ड को ऐसे गायब करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं ले चलता हूँ इसके ट्यूटोरियल पे। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले बादशाह था, लेकिन अब देखिए आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं पलक झपकते पत्ती को गायब करना। ठीक है, और बाकी यहाँ से भी मैं आपको गायब करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पूरे से मतलब पता इसको चल सके। ठीक है, तो अब चलिए मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाता हूँ पलक झपकते कार्ड को कैसे गायब करते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ से कितना इजीली कार्ड जो है यहाँ से गायब हो रहा है। कहीं भी आप मैजिक दिखा सकते हैं, बोलोगे भाई देखो आप बस कोई भी कार्ड देखो, मैं यहाँ से गायब करके आपको दिखा सकता हूँ। देख रहे हैं आप, या तो बोल दो भाई कि आप कोई कार्ड देखो। ठीक है, जैसे उन्होंने कार्ड देखा, बस आपको क्या करना है, यहाँ सीधा गायब करना, उसके बाद बोलना भाई देखो आपका कार्ड गायब हो गया। ठीक है, फिर बोलना भाई देखो आपको आपका कार्ड वापस लाना है, तो कुछ नहीं करना, बस आपने जो कार्ड देखा मैं वापस लाता हूँ, तो उन्होंने ही कार्ड देखा तो इसको वापस दे दे। ठीक है, फिर इसको गायब करना, सीधा आपको बस यहाँ से स्लाइड कर देना, स्लाइड करने के बाद आपको कार्ड जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कार्ड जो है गायब हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ईजी है, मतलब सब कुछ जो बिल्कुल आराम से करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड हो गया, अभी देखिए मैं कार्ड को कैसे उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। ये सब एक मैजिक है, और इन सब मैजिक को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बाकी मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले आपका है फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में जैसे कार्ड, इस कार्ड को अगर मुझे गायब करना है तो मैं कैसे कार्ड को यहाँ से, इस कार्ड को मैं कैसे ऐसे चुटकी बजा के मतलब मैं यहाँ से ऐसे गायब कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ठीक है, यहाँ से मैंने कार्ड को गायब कर दिया, और फिर यहाँ से कार्ड को मैं वापस लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा इसको फिर वापस ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है कलर का काम। तो चलिए इसको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। देखिए आपके सामने आप किसी के पास जाइए, उनको बोल दो कि आप कार्ड देख लो, मैं कार्ड को गायब कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले उनको सबसे पहले बताने से पहले आप मतलब ऐसे पूरा लेबल करके एक कार्ड ऐसे निकाल लो, बोल दो भाई कि आप कोई भी कार्ड निकाल के ऊपर रख दो, मैं उसको देखो गायब कर दूंगा। तो आदमी जो है ऐसे आपका एक हाथ फ्री रहेगा, वो क्या करेगा, आपका एक कार्ड ऐसे निकालेगा, ठीक है, फिर उसको ऊपर रख देगा। ओके, जब उसने कार्ड ऊपर रखा तो आप बोलना कि ठीक है देखो मैं सिर्फ यहाँ से दो तीन गिनती गिनूंगा, 1 2 3, और आपका वो पत्ती गायब। देखिए बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे करना है, उनको बताने से पहले आपको क्या करना है, बस यहाँ पे हाथ रख के ना ऐसे हल्का सा पुश करेंगे तो आपके हाथ में एक एक कार्ड दो कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ओके, बस आपको रख देना। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे होल्ड कर लेना, देखिए आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे कार्ड चिपका हुआ। ठीक है, फिर उनको बोलना और जो भी कार्ड ऐसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको बस करना है काउंट कि चल भाई 1 2 3, फिर ऐसे दिखा देना। ठीक है, बिल्कुल ईजी। तो आई होप कि समझ में आया, चलो फिर से एक बार दिखाता हूँ। क्या करना है आपको, सामने वाले को हमेशा बताना है कि भाई तुम कोई भी कार्ड ऐसे निकाल के ऊपर रखो, मैं उसको गायब कर दूंगा। तो पहले ही आपको क्या करना है, एक कार्ड यहाँ से निकाल लेना है, ऐसे ऐसे हल्का सा टेढ़ा करेंगे कार्ड आपके हाथ में। ठीक है, ये देखिए कार्ड आपके हाथ में आ गया। वो भाई साहब क्या करेंगे, आपके हाथ से ऐसे कार्ड निकाल के ऊपर रख देंगे। ठीक है, बोलेंगे भाई जो भी कार्ड है आप ऊपर देख लो, मैं आपको वो कार्ड चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर रख दिए, ऐसे कर दिए, बोल दो भाई देखो आपका ऊपर का कार्ड गायब हो गया। तो क्या होगा, गायब हो गया इनका, देखिए तीसरा नंबर कार्ड है, देखिए 8 नंबर। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ की। ये सारे काम जो पलटी का ना, ये आपको तीन पत्ती में सॉरी अंदर बाहर में आपको ज़्यादा काम देंगे। तो अभी आपको दूसरा मैट्रिक बताता हूँ, जो मैंने यहाँ से कार्ड को ऐसे गायब किया, यहाँ से जो कार्ड था यहाँ पे मैंने इसको गायब किया। देख रहे हैं बिल्कुल ईजिली मैंने यहाँ से कार्ड को गायब कर दिया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कार्ड को यूँ पकड़ लेना है। ठीक है, देखिए ये इस कार्ड को ऐसे पकड़ लेना है, और यहाँ पे इसको जो है हमेशा इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, और यहाँ से इसको स्लाइड करना है। ओके, और इसको यहाँ से हमेशा ऐसे बैंड करना है। फिर से देख लो क्या किया मैंने, ऐसे कार्ड पकड़ा, इस अंगूठे को हल्का से यहाँ लगाया, और हल्का सा ही मतलब स्लाइड करता हूँ मैं, ज़्यादा मूव नहीं करता। और ये कार्ड को ना हमेशा ऐसे मूव करना है, कैसे ऐसे मतलब हल्का स्लाइड करना है। स्लाइड करेंगे तो एक ये जो इसमें फंस जाएगा और आपका यहाँ से लेबल हो जाएगा। देख रहे हैं बिल्कुल ईजी, देखिए यहाँ देखिए कितना ईजी, मतलब यहाँ से देखिए कार्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। देखिए फिर यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कार्ड खिसकाया। ठीक है, और इस कार्ड को यहाँ लाया। ओके, और यहाँ पे इसको रख दिया, फिर इसको यहाँ लाया। ओके, यहाँ पे रख दिया। ओके, फिर से यहाँ इसको लाया, यहाँ पर रख दिया। ठीक,
देखिए बिल्कुल ईजी, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करोगे। पहले क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में पहले आपको धीरे धीरे इसकी प्रेस्टिंग करनी है, मतलब कार्ड यहाँ पे चिपका लिया, फिर ऐसे करोगे धीरे प्रेस्टिंग करोगे, जब प्रेस्टिंग करोगे ऐसे कार्ड गिरेंगे, फिर धीरे धीरे आपका देखिए यहाँ पे ऐसा रोटेशन होगा। देखिए मैं ऐसे ऐसे करूँगा तभी ना आप अंदर हाथ करोगे, नहीं किसी दिखाना, देखिए यहाँ से सीधा किया, यहाँ से हाथ देखिए चेंज होगा, देख रहे हैं बिल्कुल, देखिए ईजी, ठीक है। ये देखिए क्या करना, बस सीधा यहाँ से इसको स्लाइड करना, देखिए देख रहे हैं कैसे हो रहा है, देखिए ये आ रहा है ना यहाँ पे ऐसे तुरंत, मतलब इसको खिंचकाएंगे अंदर हो जाए, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आती है, ठीक है। हल्का ऐसे करेंगे थोड़ा सा आवाज़ आएगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। देखिए देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ये देखिए देख रहे हैं नीचे से ऊपर आ रहा है, सारे एंगल में आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए नीचे से आपका ये ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं कितना ईजी है, ठीक। ये आपका हो गया, तो इसमें देखिए आपको काम कैसे करना, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि जैसे आप कहीं पे भी गेम खेल रहे हैं और आपको पता है यार ये बड़ी पत्ती है, इसको मुझे उनको नहीं देना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा यहाँ से इस कार्ड को ऐसे नीचे ले लेना है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो आपका देखिए जो बेगम था ये बादशाह आपका देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको पलटी का काम, ओके। और बाकी दूसरा क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा अंदर बाहर में क्या कहाँ पर काम आता है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए अंदर बार में क्या होता है, आपने कार्ड ऐसे रखा, ठीक है, पिछले महीने आपको बताया था कलर का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 नंबर या 7 नंबर, देखिए आपका ये अंदर आएगा, आ गया अंदर। ये सब इसका अगर आपको फुल ट्यूटोरियल देखना है, कलर का, कलर की मार्किंग क्या होती है और कलर तो मतलब कलर की पहचान कैसे करें और जो पत्ती कटी उसको अंदर कैसे आएगा बाहर कैसे आएगा, वो सब जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिलेगी। तो देखिए अभी यहाँ पे जो भी पत्ती कटेगी ना वो पत्ती जो है बाहर जाएगी, आप देख लेना, जैसे बेगम कटा है तो आपका वो बाहर जाएगा, ठीक है। देखिए बाहर गया, तो देखिए कितना इजी तरीके, मैं थोड़ा यहाँ से फेंका, मैंने यहाँ से खींच नहीं किया था, बस मैं काट को ऐसे फेंक रहा था, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया, दूसरा देखो मैं आपको फिर इसके ट्यूटोरियल पे लेकर चलूँगा, ठीक है। अभी एक ये जो कटा है ना, देखिए आपका ये अंदर आएगा, ठीक है, 4 नंबर, देखिए कैसे आता है, बाहर चला गया, क्योंकि गलती हो जाती है कभी कभी इंसानों से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से चलता हूँ ट्यूटोरियल पे, क्या करना है कि आपको हमेशा जब भी सीखना है, देखिए कार्ड को ऐसे होल्ड, मतलब किस कहीं भी खींचना आपको, आप इस हाथ में कार्ड है या इस हाथ में कार्ड है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, तुरंत मतलब कार्ड को ऐसे हल्का सा मतलब मोमेंटल चेंज कर लेना, ऐसे पकड़ना बस ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे पकड़ ले ऐसे, किसी से बात किया ऐसे पकड़ा, किसी से बात करना मान लो ऐसे करके, सॉरी जैसे किसी से बात करना, यहाँ से ऐसे स्लाइड करके फिर यहाँ बात करते हो, फिर ऐसे स्लाइड कर बात करते हो, मतलब यहाँ से ऐसे कार उठा, भाई चलो यार कोई बात नहीं जो भी होगा देखा जाएगा, तो सोचेंगे आपने उठा तो आवाज़ आ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे बादशाह है, सॉरी 6 नंबर है, यहाँ पे चेंज किया तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से देख लो कार्ड को हमेशा यूँ पकड़ना है, ठीक है, कैसे ऐसे कार्ड पकड़ना और यहाँ पे इसको हमेशा ऐसे स्लाइड करना, देख रहे हैं यहाँ पे इजीली जो है ऐसे स्लाइड करना है बिल्कुल ईजी, ओके। ये देखो मतलब कहीं भी इजीली जो है आप स्लाइड इसको कर सकते हो, ठीक, बिल्कुल आराम से। तो ये होता है अंदर बाहर का काम। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता सकता हूँ, आप अंदर बाहर यानी सेकेंड डील भी इसमें काम करना सीख सकते हो। आज मैं वीडियो में बस यही सब बताने वाला हूँ कि मैजिक कैसे दिखाते हैं। सेकेंड डील क्या होता है, जैसे यहाँ से 3 कार्ड लिया, चलो ये 3 कार्ड हो गया, ठीक है, चौथा कार्ड क्या आपका, चौथा भी बेगम आ गया, क्या बात है, फिर से मैं मिक्स ही कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या देखिए 1, 2, 3, 4, 7 नंबर, ठीक है, 3, 8, 4, यानी 3 नंबर पर 3 नंबर पत्ती है। तो मैं उसको देखिए कितने आसानी से, देखिए कैसे मैं इसको बाहर लाता हूँ, इसको बोलते हैं सेकेंड डील का काम, ठीक है। बस सीधा ऐसे स्लाइड करूँगा, कार जो है यहाँ से इजीली जो है ऐसे बाहर हो जाएंगे, देख रहे हैं कितने मतलब इजी तरीके से आपको स्लाइड करना है। ये देखिए इसको बोलते हैं सेकेंड डील का काम, जैसे ये कार्ड है बेगम, क्या करना है, बस खिसकाया वापस ले लिया, देखिए बेगम अभी भी ऊपर है, फिर खिसकाया वापस ले, फिर भी बेगम ऊपर है, फिर खिसकाया वापस ले, फिर बेगम ऊपर है, फिर यहाँ खिसकाया वापस ले ले, फिर खिसकाया वापस ले, फिर खिसकाया वापस ले, ठीक है। ये होता है सेकेंड डील का काम। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए इस वीडियो में, आप मेरा पिछला वीडियो देखें, सारे वीडियो में आपको इसकी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है।
तो आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके चलूँगा कि आप किसी भी कार्ड में अंदर बाहर कैसे हर बार जीत सकते हैं और कैसे अपना मैजिक दिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।